एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चश्मा कैसे सही करें, ठीक है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों जो मैं बोल रहा हूँ वही सही तरीका है, और बाकी लोग, ये इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, क्यों ये गलत तरीका है, क्यों ये लोग गलत बोल रहे हैं, या फिर ये लोग सही पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मायोपिया असलियत में है क्या। तो पहले तो मैं स्क्रीन पे दो तीन, क्या बोलते हैं, एक फार्मूला पहले मैं आप लोग को एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये फार्मूला मैं स्क्रीन पे डालूंगा। इसके बाद इसी फार्मूले पे आधारित, अगर आप उस पिछले फार्मूले में पी की वैल्यू में अगर आप अलग अलग डायप्टर रखेंगे, जैसे -0.25, -1 डायप्टर, -1.25 डायप्टर, तो उससे आपको दिखेगा कि आपकी आंखें एक्चुअल में जो देख रही हैं, मतलब जैसे आप 2 मीटर की दूरी पे देख रहे हैं, तो जैसे बिना चश्मे के लोग अगर 2 मीटर की दूरी पे देख रहे हैं तो उनकी आंखें 2 मीटर की दूरी पर ही फोकस करती हैं, लेकिन चश्मे वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चश्मे वाले लोग अगर वो इन्फिनिटी पे भी देख रहे हो, मतलब बहुत दूर की चीज पे भी देख रहे हो, फिर भी उनकी आंखें जो है वो पासी पे फोकस रहती हैं। मायोपिया नाम ही है, बीमारी का यही नाम ही है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि आपकी आंखें दूर की चीज देखते वक्त भी पास पे ही फोकस रहेंगी, यही है मायोपिया। और इसको सही करने का तरीका चश्मा जो है, जो हम लोग चश्मा से हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है, चश्मा दूर की चीजों की इमेज आपकी आंखों को सामने पास में लाके बनाता है ताकि आप देख सकें। तो यही, ये इसी चार्ट में यही, बस यही दिखाया गया है। नीचे जो है अपेरेंट फोकल लेंथ, इस ये आपको स्क्रीन पे पॉज करके आप देख सकते हैं ये चार्ट, ठीक है। तो वो दिखा रहे कि आपको दिख क्या रहा है, और ये जो है ये आपको बता रहे कि एक्चुअल में आपकी आंखें कहाँ फोकस कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर से 5वीं लाइन है जो ऑरेंज कलर की, वो है -2 डायप्टर पे। तो अगर कोई व्यक्ति -2 डायप्टर का चश्मा लगाकर, ठीक है, और इन्फिनिटी पे एकदम दूर की चीज देखे, तो भी उसकी आंखें कभी भी 50 सेंटीमीटर से आगे फोकस नहीं करेंगी, सीधी बात। यही वजह है कि, अब आप एक बात समझिए, अगर मायोपिया पास की चीजें देखने से होता है, तो जो व्यक्ति -2 डायप्टर का चश्मा पहन रहा है और पास की चीजें देख रहा है, दूर की चीज देख रहा है तो भी तो वो पास ही देख रहा है, और पास की चीज देख रहा है तो उसकी आंखें और पास देख रही हैं, वो भी आप इस चार्ट से पता कर सकते हैं कि कितना पास देख रही है, या फिर आप वो फार्मूले में वो वैल्यू रख सकते हैं, उससे भी वही निकलेगा। मैंने बस प्लॉट कर दिया इतना, बहुत सारे वैल्यूज एक साथ। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि लोगों के चश्मे के नंबर क्यों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि लोग चश्मा लगाने के बाद भी पास की चीजें जो बिना चश्मे के देख सकते थे उसको चश्मा लगा के देखने लगते हैं, इसलिए आपका चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि पास की चीज देखने के लिए आपकी आंखों को और पास देखने की जरूरत पड़ती है, एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आंखों का चश्मा कैसे बढ़ता जाता है, क्यों लोग शुरुआत 1 या 2 डायप्टर से, शुरुआत आधे डायप्टर से शुरू करते हैं, लेकिन अंत में 3-4 डायप्टर खींच जाता है चश्मा, ऐसा क्यों होता है, ये आपको पता लग जाएगा जब आप ये चार्ट ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। नहीं तो बाकी यहाँ गुरुमा जी बता रही हैं, ये गुरुमा जी बता रही हैं कि पता नहीं कोई सूत्र नीति करनी है, गाय का घी नाक में डालना है। अब नाक का आंखों से क्या कनेक्शन है वो हमें नहीं पता, लेकिन इनके हिसाब से 1-2 साल में चश्मा सही हो जाएगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक तथ्य, उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। और ऐसे आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे, 1,00,000 वीडियो मिल जाएंगे, आप उनके पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही जानना है कि सचमुच में मायोपिया कैसे होता है, उसको सही कैसे करना है, तो फिर तो आपको भाई मैथ थोड़ी समझनी पड़ेगी, मैथ समझना पड़ेगा, आंखों की संरचना, आंखों के अंदर का डिजाइन क्या है, आंखों के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं, आपकी आंखें कैमरे जैसी होती हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये चार्ट कैसे पढ़ें मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, इसका इंस्ट्रक्शन। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।